नमस्कार, मैं हूं काशीनाथ शुक्ला और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स पेज। दरअसल में हम 2022 चुनाव के मद्देनज़र आम जनता से बात कर रहे हैं और हर उस वर्ग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो वोट करता है। वोट चाहे वो भाजपा को करे, सपा को करे, बसपा को करे, कांग्रेस को करे या किसी और अन्य पार्टियों को, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो किस मुद्दे पर कर रहा है। 2022 में सरकार को क्या रिपीट करना चाहिए या फिर सरकार बदलेगी, इन सारे मुद्दों को लेकर मेन मुद्दा हमारा रहेगा विकास का, क्योंकि चहुं ओर विकास की बात हो रही है। सभी पार्टियां पहली बार ऐसा है कि विकास की बात कर रही हैं, विकास के मुद्दे पर लड़ना चाह रही हैं। ऐसे में हमारे साथ सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं नित्यानंद पांडे जी, जिनसे हम बात करेंगे सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही नहीं, आमतौर पर जो भी जनता के मुद्दे हैं जिनसे ये सरोकार रखते हैं उन पर बात करेंगे। साथ में शिवपुर विधानसभा में कितने विकास हुए हैं, बनारस जिले में कितने विकास हुए हैं और इस विकास का कितना असर पड़ेगा, ये बात करेंगे। आपका स्वागत है रिपोर्टर्स पेज में। और सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं शिवपुर विधानसभा, क्योंकि शिवपुर विधानसभा में आप बिलोंग करते हैं और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है पार्टी के लिए, आप लगातार शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में आप भ्रमण भी कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं, क्या आप पाए हैं बीते 4.5 सालों में जो शिवपुर में विकास हुआ है, किस तरीके से उसको देखते हैं? शिवपुर में अगर कहा जाए तो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से इतना निठल्ला विधायक शिवपुर का कोई नहीं हुआ होगा। आज पूरी जनता त्राहिमाम त्राहिमाम करती रहती है और विधायक जो हैं मेरे मंत्री भी हैं और इनको लगातार लोग खोजते रहते हैं। ये कहीं कुछ काम नहीं इनको करना, केवल ये एक बीजेपी इनको एक ब्रांड बना के रखी है, कहीं यहाँ खड़ा दौड़ाती है, कहीं वहाँ दौड़ाती है, कहीं ये बैठ करके जो है ओम प्रकाश जी के साथ के लिए केवल उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं। इनका केवल इतने काम, ये क्षेत्र के विकास में आप किसी से बात कर लेंगे सब इनको गाली देते फिर रहा है। किसी जाति किसी वर्ग से जो मतलब भाजपा का भी होगा अगर आप उस पर उसके हृदय पे हाथ रख के पूछ लेंगे तो वह इनको गालिए देता है। तो यही बात अगर शिवपुर के अलावा अगर हम बनारस की करते हैं, क्योंकि आपके हिसाब से अनिल राजभर सिर्फ राजभर वोट के लिए ही इनको भाजपा ने ब्रांड बना कर रखा हुआ है, अगर बनारस की विकास की बात करते हैं तो बनारस में कितना विकास हुआ है भाजपा के बाकी जो 8 विधानसभा, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है तो बाकी 8 विधानसभाओं में क्या विकास हुआ है, कितनी जो भाजपा इतने दावे करती है कि विकास हुआ है और विकास के नाम पे लोग वोट भी मांग रहे हैं? इसकी सच्चाई ये है कि बनारस ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इस कार्यकाल में जितने जीते विधायक हैं उसमें से 80% विधायक चुनाव हार जाएंगे। अगर क्षेत्र में आप लोग अभी अपने से खुद जनता के बीच जाएंगे आपको लग जाएगा कि इनका कोई विधायक चुनाव नहीं जीता। हर जगह वही स्थिति, अगर शिवपुर की यही स्थिति है वही पिंडरा की है, वही रोहनिया की है, वही शिवपुर की है, वही दक्षिणी की है, वही उत्तरी की है, चूंकि ये लोग काम कुछ किए नहीं, ये जनता को बल्कि एक बहाना ये बात करते रहे कि कोरोना आ गया कुछ नहीं कर पाए, हमारा बजट रुक गया, उसके पहले भी इनके पास कोई काम ही नहीं, ये काम नहीं, शुद्ध रूप से ये लोग पैसा कमाने में लगे हुए हैं, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं। और विशेष तौर से मैं आपको अनिल जी को बताऊं जो खुद मंत्री भी हैं, मैं उसी विधानसभा का रहने वाला हूं, आप मेरे गांव से शुरू करिए और किसी गांव में चले जाइए, जितने गाँव की सड़कें हैं आप देख लीजिए, कोई में 3 हाथ गड्ढा होगा तो कोई 2.5 हाथ गड्ढा होगा, पूरे बरसात में इतना पानी में लोग गिर जाते थे साइकिल मोटरसाइकिल लेके, चलना दूभर था लोग। और बात बड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, 8 विधानसभा में बीजेपी के विधायक हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि बनारस में 3 मंत्री हैं जिनमें से 2 कैबिनेट मंत्री हैं, 1 राज्य मंत्री, और मेयर भी यहाँ के भाजपा के हैं, पार्षदों की भी बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पार्षद भी भाजपा के ही हैं, फिर भी आप विकास से सरोकार नहीं रखते हैं। रिंग रोड बना, ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बना बुनकरों के लिए, इसके अलावा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन हुआ है, विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, इस तरह की तमाम छोटी छोटी चीज़ें, जैसे सड़कों का जाल बिछ गया है, चौड़ीकरण हुआ है, गड्ढा मुक्त सड़कें हुई हैं, तो क्या आप इन सबको विकास की दृष्टि से नहीं देखते हैं? अच्छा आप एक बात हमको बताइए,
कि विकास के दृष्टि से इसको क्यों नहीं देखा जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन ये सड़कें जो आप आज जिस सड़कों की बात कर रहे हैं, इस पर पहले से काम नहीं लगा था का इनकी सरकार बनने से। शहर के अंदर जितने ओवर ब्रिज हैं वो कांग्रेस के समय के, लखनऊ रोड पे जो पहले भी काम चल रहा था इनके सरकार से पहले चल रहा था। हम यहाँ पे भी रोकना चाहेंगे, जैसे रिंग रोड है, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उनका ये प्रोजेक्ट था रिंग रोड का। एकमात्र लरतारा का जो फ्लाईओवर था वो कांग्रेस सरकार ने बनवाया था, उनके समय में बना था। उसके बाद से कोई, हमें नहीं लगता है कि फ्लाईओवर कोई या फिर रिंग रोड टाइप का कोई सड़क बनारस से होकर गुजरा हो या बना हो। लरतारा का फ्लाईओवर मनमोहन सिंह की सरकार का, लखनऊ रोड उसी समय चालू हो गया था बनना, गाजीपुर रोड पे भी शुरुआत उसी समय हो गई थी। इनको तो केवल पीठ थपथपाने का मौका मिल गया। रही रिंग रोड की बात, तो सही बात आप कर रहे हैं कि रिंग रोड को मैं मानता हूं जो इनका खुद का प्रोजेक्ट है जिस पे इन्होंने काम किया। और विश्वनाथ कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर पे तो ये काम करेंगे क्योंकि इनका मूल जड़े धर्म पे आधारित है। और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये उनका प्रोजेक्ट है। देखिए, बरुआ कॉरिडोर विश्वनाथ जी का जो कॉरिडोर है उसको भाई अब वो कहते हैं कि हम प्रस्ताव बनाए हैं, बना इनके समय। लेकिन इस मंदिर के बनाने से गरीबों का भला नहीं होना ना, ये विकास में, हम इसको विकास में नहीं मानते। केवल अगर हमसे कोई ये कह दे कि मंदिर बनवाना विकास है तो मैं उसको विकास में नहीं मानता, क्योंकि ये सरकार का काम नहीं है। ये काम मठाधीशों का है, पुजारियों का है, पंडों का है, ये काम सरकार का नहीं है। सरकार का काम है जो काशी विश्वनाथ मंदिर है ये तो सरकार के अधीन है ना, सरकार ही इस पे विकास करेगी। सरकार के सारी मंदिर है सरकार के अधीन हो गए। अच्छा, विश्वनाथ मंदिर के जो कॉरिडोर बना है इससे क्या पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिलेगा? जो वहाँ पे जो दुकानें थी उनको नई दुकानें मिलेंगी उनको। मैं वही बात कर रहा हूँ, ये धार्मिक नगरी थी, वह धर्म स्थल था, आप उसको टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं। अगर धर्म की भी बात आप करते हैं, जो धार्मिक नगरी हो और धर्म स्थल हो, जिस विश्वनाथ जी को लोग भगवान के रूप में पूजते हो, आप उसको वहाँ टूरिस्ट प्लेस उसको बना के केवल म्यूजियम टाइप का सजा के आप विकास दिखाना चाह रहे हो, वो धार्मिक भावनाओं को उससे ठेस नहीं पहुँच रहा। वहाँ के महंत, आप पता कर लीजिए, वहाँ के महंत इससे दुखी हैं। अच्छा, ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बना, यहाँ से आपके कुछ दूरी पर ही है, इसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना, तो क्या ये डेवलपमेंट में नहीं आएगा? नहीं, क्यों डेवलपमेंट में नहीं आएगा? वो जो बनाए हैं, देखिए वो पहले की भी सरकारें बनाती आई, ऐसा नहीं है कि यही कुल कर दिए। ये तो झूठ बोलते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल में कांग्रेस ने अगर किया नहीं होता तो इतनी नहर के किनारे सर्विस रोड, गाँव को गाँव में सड़क, ये पहले से बना के इसी 7 साल में नहीं ना बना है, वो तो पहले से भी बना है ना। वो तो सरकार आती है तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन केवल यही विकास है? आज जनता खाने को मर रही है, महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार की बात करते थे जिन मुद्दों पे इनकी सरकार बनी है, महंगाई की बात ये करते थे जब सिलेंडर 350-400 रुपया था, आज 1000 रुपया कर दिए हैं, अब उसकी बात नहीं करते, भ्रष्टाचार की बात नहीं करते। आज किसी थाने पे कहीं तहसील में चले जाइए, आज मनमाना पैसा लूटा जा रहा है जनता से, और उसकी बात नहीं करते। अभी आतंकवाद की बात करते थे, अब आतंकवाद नहीं हो रहा, अब देश के सैनिक नहीं मारे जा रहे। अभी तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जो देश का जो प्रमुख सैनिक है, जल थल वायु तीनों सेना का अध्यक्ष हो, उसका जो है वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये जांच का विषय नहीं है, एक्सीडेंट है ना, वो तो एक एक्सीडेंट है ना, एक्सीडेंट है, वो जांच का विषय नहीं है। अगर वो एक्सीडेंट है, अब जहां तक हम जानते हैं कि तीनों सेना का अध्यक्ष जिस हेलीकॉप्टर से जा रहा हो और इतना आसानी से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ये भी आसान बात लगती है आपको? उस पर तो नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री। हम बात करते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव की, तो अखिलेश यादव जी काफ़ी हमलावर हैं, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और योगी को घेरते जा रहे हैं। अभी उनका जो 2-3 बयान अभी कल के डेट में आया था, उसमें एक तो ये था कि जो कॉरिडोर है वो उन्होंने, उनका प्रोजेक्ट था, उन्होंने बनवाया है और उसका जो है सिर्फ फीता काट रहे हैं मोदी जी। दूसरा ये था कि जो अंत समय आता है तो बनारस में वो लोग आते हैं, दो तो ये हो गया। तीसरा उन्होंने एक और बात बोली कि योगी जी गंगा में इसलिए नहीं नहा रहे हैं क्योंकि गंगा मैली है, उनको पता है।
तो इस पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि गंगा कैसे मैली है। अगर गंगा मैली है, मान लीजिए योगी जी नहीं नहाए, मोदी तो नहाए, एक प्रधानमंत्री जी गंगा में नहा रहे, क्या वो मैली? जितना पैसा ही गंगा जी को साफ करने में बहा दिया, जिस दिन ये प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटेंगे तो सबसे बड़ा घोटाला इन पे यही लगेगा। गंगा को अविरल करने के लिए वो खुदे सक्षम है, हटा दे टेहरी बाप से, छोड़ दे पानी को, उस पे घी में कहते हैं कि गुहरी पे घी सुखाना है। गंगा जी को अभी जो बांध बना बना के रखे हैं, अभी उस पानी को छोड़ दे, अबे अब साफ हो जाएंगे उसमें जो। ये तो मतलब गंगा जल की बात हो गई, नदी की बात हो गई कि वो साफ हो जाएगी, पानी छोड़ दिया जाए तो ऑटोमेटिक वो साफ हो जाती है, या बाढ़ आता है तो साफ हो जाती है। जो घाटों की जो स्थिति बदली है, घाटों का जो सुंदरीकरण हुआ है, घाटों पे सफाई है, आज जगह जगह कूड़ेदान है, जगह जगह लोग सफाई खुद झाड़ू उठा लेते हैं, लोग जागरूक हुए हैं कि कहीं भी चाय पी के पुरवा नहीं फेंकते हैं, कोई रैपर नहीं फेंकते हैं किसी भी चीज़ का, तो क्या इसको आप डेवलपमेंट में नहीं मानते हैं, या इसको आप जागरूकता में नहीं मानते हैं सरकार की तरफ से? देखिए, समय परिवर्तित होते रहता है और वो आना है, आगे आज कुछ है कल कुछ होगा, लोगों के विचार भावना में चेंजिंग आएगी, लेकिन ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ा है, जो गरीब कमजोर है उसको मुख्य धारा तक ले जाने का। सरकार का काम है देश के सुरक्षा रक्षा का। तो अब उस बिंदुओं पे ये बात नहीं कर रहे, महंगाई चरम पे चली गई है, आदमी खा। अच्छा आप बताइए कि अगर हमारे पेट में अन्न नहीं होगा तो मैं किस सफाई किसकी बात करूँगा, पहले तो जरूरी वही है ना। लेकिन एक बार फिर लग रहा है कि जो दो दिवसीय दौरे पर आए थे प्रधानमंत्री मोदी, उससे लग रहा है कि फिर एक बार जनता का रुझान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ चल दिया है। कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं होने वाला है। 2022 में भाजपा की सफाई तय है उत्तर प्रदेश से, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यह जनता ने मन बना लिया है। किसी नेता के मन बनाने से नहीं होता, जनता जब मन बनाती है तो सबकी सफाई की है और इनकी भी सफाई 2022 में करेगी, ये तय। अच्छा, अभी फिलहाल में सुहेलदेव पार्टी जो है सपा से गठबंधन कर रही है, लेकिन इसके पहले काफ़ी समय तक भाजपा के साथ रही, तो भाजपा के साथ आने का क्या प्रयोजन था उस समय जब वो 2017 का चुनाव हुआ था? दूसरा सवाल ये है कि उस समय जो सपा की सरकार गई, अखिलेश यादव हारे, क्योंकि विकास तो वो भी कर ही रहे थे, तो उनके हारने का क्या कारण था, क्या आपने इसका कोई आकलन निकाला है? देखिए, जो सरकार में हम लोग उनके साथ गए, चूँकि इनके जो वादे थे बड़े बड़े, हम लोग सोचे कि अगर इसमें 50% भी सही हो गया तब वो देश का हित हो जाए, इस नाते हम लोग इनके साथ गए। लेकिन साथ जाने के बाद केवल झूठ ही झूठ मिला। इनका चेहरा दो है, वही हाथी का दांत दिखाने का और खाने का, और इनको मूल कुर्सी से मतलब है, इनको न किसी गरीब से मतलब है, न किसी दिन दुखिया से मतलब है। शुद्ध रूप से ये अपने कुर्सी को सेट करने के लिए चाहे कोई बलि चढ़ जाए, उसके लिए हिंदू मुस्लिम, उसके लिए मंदिर मस्जिद, उसके लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान, केवल यही 3-4 इनके पास मंत्र है जिस पे ये लड़ाई लड़ते हैं। और उसको जनता पूरे तरीके से समझ गई है कि इनके यही इनका एक सूत्र है जिस पे ये सत्ता में आने का इसी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जिन्ना का जिन तो बोतल से अखिलेश यादव ने निकाला था। देखिए, जिन्ना की अगर बात होती है, जिन्ना की बात अगर अखिलेश जी ये कहे कि जिन्ना भी देश के जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, तो उन्होंने गलत कहा। अगर जो देश की आज़ादी की लड़ाई में लड़ा हो, पाकिस्तान देश आज़ाद होने के लिए, शायद समय सही नहीं था जिन्ना का जो बात हुआ। देखिए, समय अच्छा, अगर समय की बात है तो सही बात नहीं कही जाएगी। तो सरदार पटेल के बारे में कुछ नहीं बोल सकते थे? नहीं, सरदार पटेल को गाली तो नहीं थी, सरदार पटेल को कुछ गलत तो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने अगर जिन्ना की बात छेड़ी तो फिर कौन सा गलत कर दिया? अगर वो सरदार पटेल या किसी और सीनियर पर्सन को कुछ गलत कहते तब तो उस पर विवाद खड़ा हो। नहीं, बात गलत कहने की नहीं है, सरदार पटेल की जयंती मनाई जा रही थी, पूरा देश मना रहा था उस समय जिन्ना का बात, क्योंकि जिन्ना से काफ़ी लोग चिढ़ते हैं, क्योंकि जिन्ना को ही मानते हैं कि वो जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था उसमें जिन्ना का महत्वपूर्ण योगदान था।
तो जिन्ना से काफी लोग नफरत करते हैं, तो ऐसे में सरदार पटेल की जयंती में जिन्ना की बात करना कहाँ तक सही है? देखिए, अब वो उनका विषय है और उसमें आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी आग में घी डालने का काम किया। देखिए, वो हमारे बड़े नेता हैं और जहाँ तक अखिलेश जी की बात है, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं हमारे सूबे के। अब उनका कहने का क्या सेंस था, उसको किधर ले गया गया, ये बात वो वहाँ क्यों जिन्ना की बात उठाई है उसको वो खुद समझते होंगे और कोई ज़रूर उनके दिमाग में रहा होगा। ऐसा नहीं कि वो देशद्रोही हैं इसलिए जिन्ना की बात कर रहे थे, वो भी देश के ही तैसी हैं और इसी देश के हैं, वो पाकिस्तान के नहीं है ना। इस नाते उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में ये कहना कि अंतिम समय में लोग बनारस जाते हैं, बनारस रहते हैं, ये उनका अंतिम समय आ रहा है, तो क्या ये शोभनीय लगता है एक पूर्व मुख्यमंत्री के? अब देखिए, अब बोलने को मैं जहाँ तक करीब 40+ हम लोगों का भी उम्र हो गया है, कभी किसी मुख्यमंत्री को मैं ये कहते सुनना नहीं हूँ पुलिस वालों से कि ठोंक दो मार दो, उसमें तो सवाल नहीं उठा। हमारा मुख्यमंत्री, उनके बोलने का लहजा देखिए, वो किसी को कुछ बोल देते हैं। तो अगर ये लोग बोल रहे हैं तो सही है, अखिलेश जी बोल दिए, ओम प्रकाश जी बोल दिए तो गलत है। मतलब ये तो इनके जो मन में आ रही है, किसी इससे कैसे बचा जा सकता है कि अगर उन्होंने बोल दिया तो हम भी बोलेंगे? ये आग यही बोलते हैं ना, वो सारा एक्शन का केवल रिएक्शन है। ये जो आग बोल रहे हैं, किसी प्रधानमंत्री के लिए ऐसा होना चाहिए, ये यही मैं जानना चाहता हूं। अगर प्रधानमंत्री अगर उसी टाइप का एक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन तो इसी पे करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे लाल टोपी के बारे में कहा जा रहा है कि लाल टोपी वाले गुंडे हैं, तो क्या ये बात सही माना जाए? तो वही बात, अगर प्रधानमंत्री जी ये बात कह सकते हैं तो अगर उन पे कटाक्ष हो गया तो कौन बुरा होगा? प्रधानमंत्री बड़े हैं या मुख्यमंत्री बड़ा होता है? प्रधानमंत्री बड़ा होता है। और जब प्रधानमंत्री इस टाइप का टीका टिप्पणी कर रहे हैं किसी पार्टी पे, किसी है पे, तो उनको उनको उनके साथ नहीं टिप्पणी करिए, मगर मेरा सवाल ये है, क्या ये टिप्पणी, अगला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये टिप्पणी अगर अखिलेश यादव ने किया है तो ये कितना सही है? देखिए, सही इसलिए है कि अगर आप किसी को कुछ गलत बोलते हो तो आपके साथ भी वैसे ही होगा। और इसका ख्याल अगर प्रधानमंत्री जी हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री, तो इसका ख्याल सबसे पहले उनको रखना होगा। हमेशा बड़े को बड़कपन निभाना पड़ता, तब छोटा उसका कदर करता। बड़ा कुछ बोल दे तो छोटा और ज्यादा बढ़ के बोलेगा? नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? आप बताइए कि जब प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोल दे, या जैसे मैं घर का बड़ा हूँ, मैं छोटे भाई को कुछ भी बोलूंगा तो अच्छा, वो भी तो बोलेगा। ये बताइए कि जैसे सभी पार्टियां जो हैं बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रही हैं, आपकी पार्टी कैसे अलग होगी, आपकी पार्टी कैसे जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस भी वही बेरोजगारी महंगाई को लेकर के ही आगे बढ़ रही है? देखिए, ये मुद्दा केवल पार्टियों तक सीमित नहीं है, सब उसकी बात इसलिए करेगा कि ये जनहित से जुड़ा मामला है। भोजन सबको चाहिए, कपड़ा सबको चाहिए, रहने को सबको चाहिए, इस नाते सारी पार्टियां उसी की बात करेंगी। और सबसे पहले देखिए, हम लोग सरकार में थे, ये सब मुद्दों को लेकर सरकार से बाहर हो गए कि महंगाई नहीं रुक रही, भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा, अधिकारी बेलगाम है, कर्मचारी नहीं सुन रहा किसी की, हम विधायक हों, हम मंत्री हों, हमारा कोई सुनबे न करे, मैं जनता के बीच क्या लेके जाऊंगा? जनता अगर कोई व्यक्ति सही है, मैं यशो को फोन करके कहूं कि ये ठीक है, और यशो उस बात को अनसुना कर दे, तो फिर जब जनता की सवाल ये है कि अगर सरकार आपकी बनती है तो बनारस में क्या क्या विकास हो सकते हैं, क्या क्या करेंगे विकास के? देखिए, हम लोग पहले भी कह चुके हैं, हमारी पार्टी का शुरू से मुद्दा रहा, हम शुरू में भी चाहते थे कि आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू हो, पूर्वांचल राज्य की हमेशा शुरू से पुरजोर कोशिश करते थे, उसकी लड़ाई लड़ते थे। हम लोग शुरू से कहते थे कि शिक्षा एक समान हो, तकनीकी शिक्षा लागू हो, हम लोग शराबबंदी के मुद्दे पे लड़ते थे। तो हम लोग जो अभी भी चाह रहे हैं, यही चाह रहे हैं कि जो जनहित से जुड़ा मुद्दा है,
उसी की लड़ाई लड़ी जाए। क्योंकि आपके जितने भी मुद्दे हैं उनसे क्या अखिलेश यादव सरोकार रखते हैं? बिल्कुल रखेंगे। अगर नहीं रखते तो अभी नहीं बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं जो नेताजी बोल रहे हैं। उस सारे मुद्दों से महंगाई की सब बात कर रहा है, आप भी कह रहे हैं। महंगाई चरम पे है, इसमें कोई संशय नहीं, कोई इसको अनसुना नहीं कर सकता। जो 350-400 रुपये में सिलेंडर था तो ये लोग गले में लटका के बैठते थे कचहरी के सामने, आज 1000 हो गया है की सरकार में। लेकिन विरोध भी तो उस स्तर पे नहीं हो रहा है। विरोध उस स्तर पे हो रहा, लेकिन आप जो कहे हैं कि वही धर्म का जो उन खेल है निकाल, लेकिन उसका सब समझ गया है उस खेल को। 2022 में इनको पता चल जाएगा कि ये खेल अब ज्यादा दिन तक झूठ सपाट वाला चलेगा। कितनी सीटें आएंगी 2022 में? 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी समाजवादी और जो गठबंधन है, आप देख लीजिएगा आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नित्यानंद पांडे जी, प्रदेश उपाध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। इन्होंने दावे के साथ कहा है कि प्रचंड बहुमत से सपा गठबंधन की सरकार बन रही है। रिपोर्टर्स पेज के लिए काशीनाथ शुक्ला, वाराणसी।